खबर एटा जनपद से, जहां प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपने जनपद भ्रमण कार्यक्रम के दौरान रविवार को अपराह्न लगभग 12 बजे अलीगंज के डीएवी इंटर कॉलेज मैदान में हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंचे। हेलीपैड पर डीएम सुखलाल भारती, एसएसपी सुनील कुमार सिंह, पूर्व मंत्री अवध पाल सिंह यादव, क्षेत्रीय विधायक सतपाल सिंह राठौर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने उप मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। तदुपरांत उप मुख्यमंत्री विद्यादीप मार्केट सराय रोड अलीगंज में डॉक्टर महादीपक सिंह साक के पूर्व सांसद जी के स्वर्गवास के उपरांत आयोजित शांति पाठ में सम्मिलित हुए। उप मुख्यमंत्री का अपराह्न में पुलिस लाइन हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर द्वारा उतरने के उपरांत सांसद राजवीर सिंह राजभैया, क्षेत्रीय विधायक गणों द्वारा पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। तदुपरांत उप मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस पहुंचकर 6324 लाख की लागत की 28 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं 1280 लाख की लागत की 9 परियोजनाओं का जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में बटन दबाकर लोकार्पण किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जन सामान्य को शासन की मनसानुरूप सुविधाएं दिलाई जाएं, साथ ही केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न लाभार्थी परक योजनाओं से समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभान्वित किया जाए। इस अवसर पर क्षेत्रीय सांसद राजवीर सिंह राजू भैया, भाजपा जिलाध्यक्ष संदीप जैन, पूर्व मंत्री अवधपाल सिंह यादव, सदर विधायक विपिन वर्मा, डेविड अलीगंज विधायक सत्यपाल सिंह राठौर, एसडीएम एसपी वर्मा, राजीव पांडे, क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी आदि मौजूद रहे। एटा जनपद से सत्यवान सिंह चौहान की रिपोर्ट।